नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपका हॉरिजॉन एकेडमी में स्वागत करता हूँ। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में देखना है लिमिट फिट्स टॉलरेंस जो चैप्टर है उसमें जो अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं, मतलब आपको अलाउंस निकालना पड़ता है, टॉलरेंस निकालना पड़ता है, उसके बाद टाइप ऑफ फिट आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो ये टाइप के प्रॉब्लम आते हैं, सेम केज अलाउंस टाइप डिज़ाइन ऑफ केजेस भी आते हैं इसमें। तो एक एक प्रॉब्लम देखते हैं, पहले सिंपल सा प्रॉब्लम देखते हैं, फिर थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाते जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे प्रॉब्लम है आपका, प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अलाउंस एंड टॉलरेंस। आपको क्या निकलना है, अलाउंस निकालना है और टॉलरेंस निकालना है फॉर द होल एंड शाफ्ट असेंबली फॉर द फॉलोइंग डायमेंशन ऑफ द मेटिंग पार्ट्स। क्या है कि आपको अलाउंस और टॉलरेंस निकालना है, एक असेंबली है जो एक होल का है और एक शाफ्ट का है। तो उन्होंने होल का डायमेंशन क्या दिया है, 25 प्लस 0.05 और प्लस 0.00, शाफ्ट का 25 माइनस 0.02 माइनस 0.05। अब इसको समझने के लिए आपको पहले थोड़ा सा बेसिक क्लियर करना पड़ेगा कि अगर यहाँ पे 0.0 है मतलब वैल्यू कुछ भी नहीं है, अगर यहाँ पे कुछ वैल्यू दिया भी नहीं है तो समझ लेना यहाँ पे ज़ीरो है। और ये कैसे रहता है, ऐसे लिखते हैं इसको, कंसिडर करो सिंपल, इसमें मैं क्या कहता हूँ, प्लस माइनस 1। मतलब क्या है, 25 आपका बेसिक साइज़ है, आपको अगर इसका हाई लिमिट निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हाई लिमिट निकालने के लिए 25 प्लस 1 कर दो इसको, तो ये आपका अपर लिमिट आ जाएगा। सेम आपको लो लिमिट निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 25 माइनस 1 करना पड़ेगा, तो ये क्या होगा, आपका लो लिमिट होगा। सेम आपको अगर इसका होल का आपको अपर लिमिट निकालना है तो 25 प्लस, ये प्लस साइन है तो आप इसको प्लस कर दो, अगर प्लस साइन भी नहीं है तो उसको क्या करना है, कंसिडर करना है कि यहाँ पे प्लस साइन ही है, तो 25 प्लस ये कर दो, सेम 25 प्लस ये कर दो, आपका ये हाई लिमिट होगा, इससे इसका जो एडिशन होगा वो हाई लिमिट होगा, इसका जो एडिशन होगा आपका लो लिमिट होगा। सेम शाफ्ट के लिए भी है, ये माइनस 25 माइनस ये कर दो तो ये आपका हाई लिमिट हो जाएगा, 25 माइनस ये कर दो तो ये आपका लो लिमिट हो जाएगा। तो अभी इसको कैसे रेट करते हैं, ये जो दिख रहा है 0.02, इसको कैसे रेट करते हैं, मैं वो एक बार आपको बता देता हूँ कि माइक्रोन में मोस्टली बात करते हैं। माइक्रोन का कैसा रहता है, अगर आपको एक माइक्रोन रीड करना है कि एक माइक्रोन आपको लिखना है तो कैसे लिखते हैं, 0.001, ये क्या होगा, आपका एक माइक्रोन हो गया। अगर आपको 10 माइक्रोन लिखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 0.01, ये आपका 10 माइक्रोन हो गया। और 0.1 मतलब क्या, 100 माइक्रोन रहता है, ठीक है, ऐसे इसका डिस्क्रिप्शन है। तो आप इसको कितना रीड करोगे, 50 माइक्रोन रीड करोगे, इसको कितना, 20 माइक्रोन रीड करोगे, इसको 50 माइक्रोन रीड करोगे आप। लेकिन आपको बात करते टाइम कैसे रीड, बात करते टाइम अगर आपको कंपनी में जाके डायमेंशंस रीड करना है तो ज़ीरो, ये जो ज़ीरो है ये बात करने की ज़रूरत नहीं, माइनस 0.02 भी बोला तो भी चलता है, ठीक है, ये तो बेसिक हो गया आपको। उसके बाद अगर आपको इसका, मैंने यहाँ पे देख सकते हैं आप, होल का टॉलरेंस निकाला है, टॉलरेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हाई लिमिट माइनस लो लिमिट करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे फार्मूला लिख दिया, हाई लिमिट माइनस लो लिमिट, इसका हाई लिमिट क्या था, 25.05 एडिशन करने के बाद आया, और लो लिमिट क्या था, 25 प्लस 0.00 मतलब 25 था, तो ये यहाँ पे हुआ। तो मेरा टॉलरेंस कितना आया, मेरा जो होल है उसके ऊपर टॉलरेंस कितना है मैन्युफैक्चर करते टाइम, 0.05 का। सेम शाफ्ट मैन्युफैक्चर करते टाइम मैंने क्या किया, ये इसका जो कैलकुलेशन था अलग कर लिया और डायरेक्टली मैंने यहाँ पे हाई लिमिट लिख लिया। हाई लिमिट अगर मैंने 25 से माइनस ये कर दिया तो मेरा कितना आता है, 24.98 आता है। सेम 25 माइनस ये किया तो ये कितना आता है, ये इतना आता है, तो इसका दोनों का माइनस करके मेरा जो वैल्यू आया वो 0.03 आया। मतलब दोनों का मुझे अभी टॉलरेंस मिल गया है, होल का और शाफ्ट का। लेकिन मुझे अगर दोनों का अलाउंस निकालना है कि जब दोनों का जो मीटिंग हो रहा है तो मीटिंग होते टाइम ये दोनों में कितना अलाउंस है, कंसिडर करो, ये होल का लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। सेम यहाँ पे मैंने एक शाफ्ट बनाया, शाफ्ट का लो लिमिट, एक अपर लिमिट है। अगर दोनों का मुझे अलाउंस निकालना है तो ये दोनों में क्या करना पड़ता है मुझे, इसका लो लिमिट, ठीक है, और इसका हाई लिमिट देखना पड़ेगा। तो ये दोनों में कितना
गैप है, मैक्सिमम वो गैप देखने के लिए मुझे इसका लो लिमिट कंसिडर करना पड़ता है और इसका हाई लिमिट। तो मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर्मूला, अलाउंस इज इक्वल टू लो लिमिट ऑफ होल माइनस हाई लिमिट ऑफ शाफ्ट। लो लिमिट ऑफ होल कितना है, होल का लो लिमिट है 25, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो 25। और हाई लिमिट ऑफ शाफ्ट कितना है, शाफ्ट का 24.98 है, 24.98। ये वैल्यूज़ डालने के बाद मुझे क्या है, ये 0.02 का क्लियरेंस आया है। मतलब यहाँ पे कितना पॉइंट, अगर ये वैल्यू प्लस में है, अभी ये वैल्यू क्या है, प्लस में है, मतलब क्या है आपका क्लियरेंस फिट है यहाँ पे, ठीक है। ओके, ये ऐसा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।